الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حصول برکت واسطے ایک دو تین مرتبہ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا عشق سچا نصیب گے عشق سچا نصیب گے عاشق عشق سرور نال سجدائے سولی چڑھ جانا بید کھلنا نا تختہ دار منصور نال سجدائے رات سجدیے نال تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدائے قسم رب دی سچ نشان آنکھاں
सारा जग हुजूर नाल सजदा कसम रब दी सच निशान आखा सारा जग हुजूर नाल सजदा अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद ला महदूद दुरूद पाक साहबिल औलाद सैयदुल अंबिया शबे असरा दे धूला मालिक हर दो सरा सरबरी कायनात फख्र मौजूदात जनाबे अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगह आलिया दुरूदो सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद सदरे सी वकार गुलशने सादात की बहार पीरे तरीकत रहबरे शरीयत खानवादाए मुस्तफा दे चश्मो चराग हजरत साहबजादा पीर सैयद तजम्मल हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकात मुलालिया साहबजादाए वाला मर्तबत जनाबे पीर सैयद इबरार हुसैन शाह साहिब गिलानी फाजले मुहतशम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अवैस अवैसी साहिब और बिलखसूस मोहतरमी व मुकर्रमी जनाबे चौधरी मोहम्मद नजर अल मारूफ जज्जा साहिब जनाबे चौधरी मोहम्मद मुनव्वर चट्ठा साहिब और जनाबे मलिक मुनीर साहिब अजीजुल कदर जनाबे मोहम्मद अतर हुसैन चीमा साहिब जनाबे अंसर बड़ाए साहब सब तो ज्यादा दोस्तों आज खुशी इस गल दी है कि आस्ताना भी सैयद है सदारत भी सदात दी है और आफताबे विलायत हजरत पीर सैयद हुसैन शाह साहिब रहमतुल्ला अलैह उना दे आस्ताना आलिया ते अटारी पनुआ च जी पनू अटारी हजरात मोहतरम बड़ी शहादत वाली बात है कि जिथे अल्लाह दा पाक बंदा कदम भी रख जाए ना मैं बैरूनी तौर पर समझदा सा शायद कोई दरबार है इत्थे लेकिन अंदर आके दाखिल होया है कि दरबार वाला सिर्फ सैयद औलाद बतूल कदम रखे है नशिश्त की है ईमानदारी ना दिसो जिथे जारा दे लाल बह जाए है ना उस धरती का भी अंदाज वखरा ही है तो वह बड़े खुश नसीब खादम ने जड़े इस आस्ताना आलिया की नौकरी दे रहे ने और मेरी जमात दे जलील उल कदर उलामाए किराम फाजले मुहतशम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ जलालपुरी दामत बरकातमुल आलिया दे मंजूर नजर अजीज उल कदर नकीब महफल अदीब मिल्लत जनाबे जबरान अफसल साहेब और जनाबे कारी नासर महमूद साहेब चिश्ती साहब भी तशरीफ फरमाने अल्लाह दी ला रैब और ला ऐब किताब दे विचों एक आया करीमा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है जिस विच खालिक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात फरमाया बेशक ओ लोग जड़े ईमान ले आए और ईमान ले आउण दे बाद उन्होंने अमल अच्छे किए व अखबतु इला रब्बिहिम ते फरमाया आजजी नल इनकसारी नल बुरदबारी नल तहमल मिजाजी नल मुस्तकिल मिजाजी नल वाखबतु इला रब्बिहिम फरमाया वो अपने परवरदिगार दे वल टुरे रहे ऐसे टुरे रहे कि जग दे दुख झोली च पा ले पर यार दा बूआ ना छड़े ऐसे टुरे रहे वाखबतु इला रब्बिहिम ऐसे अंदाज नाल ओ अल्लाह की तरफ टुरे रहे दूसरे मुकाम ते दूसरी आयत समात फरमाओ पर
پروردگار نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ, فرمایا او لوگ جنہ دی ہجرت ہی اللہ ہے. غور کرنا اس بات تے, فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ, او لوگ جنہ دی ہجرت ہی اللہ, فی اللہ اللہ دے وچ. ذرا گل سمجھنا لیے, والذین ہاجروا فی اللہ دوسرے تیسرے مقام تے فرمایا, فرمایا والذین جاہدوا فینا, فرمایا او لوگ جنہ دی جدوجہد ہی میں ہوں, جنہ دا ٹارگٹ ہی میں ہوں, تصور تخیل تدبر بہنا اٹھنا کھانا پینا چلنا آونا جانا کوئی ہور انہاں نوں گل نہیں, اکو ہی گل منم محوے خیالے ہوں نمیدہ نم کجا رفتم, سانو کوئی پتہ نہیں. یا اللہ اسی تیری محبت وچ ماں واں, ہے نا, تو اج چونکہ عشق دا تذکرہ کرنا ہے, عشق دا تذکرہ کرنا ہے, تو فرمایا والذین جاہدوا فینا, کھول کے یار, والذین ہاجروا فی اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم, فرمایا ادا مفسرین نے مترجمین نے جی مصاحب نے ترجمہ کیتا ہے, کس طرح کیتا ہے کہ جڑے مخبوط الحواس ہو جاندے نے, فرمایا اے رب دے عشق وچ کھب جاندے نے, نہ کسے آئے دا پتہ ہے, فرمایا واخبتوا الى ربهم, فرمایا اپنے پروردگار اجازت ہوئے تے اپنے مرشد کامل عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے چٹھا صاحب تصور پیش کر ملک صاحب, آپ فرما دے لے اندر تبا باغو کت لبیندا ہو دادا محبت والا جڑا دم دم نال ہو دادا ہو دادا اے محبت والا جڑا دم جتے کرے روشنائی اتوں چھوڑ اندھیرا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, خطیب پاکستان حضرت حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب, فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا من الظلمات الى النور, پروردگار نے ارشاد فرمایا جنوں میں اپنا بیلی بنا لواں, جھٹکا ترجمہ, جنوں میں اپنا یار بنا لواں تے میں کسی فاسق نو یار نہیں بناندا, میں کسی منافق نو یار نہیں بناندا, میں مومن نو یار بنانا, نہیں بنا دا میں جدو یارانا لانا نا کسے یار دے یار نا, جدو میں تعلق جوڑنا
ते यार दे यार नाल फरमाया या मनु युखरिजुहुम मिनत दुलुमात अल्लाहु वली कौन है जी वली अल्लाह अल्लाह फरमांदा अल्लाह वली तू कल्ला ही कहना मैं वली अल्लाह मैं भी वली हूं मैं भी वली हूं अगली बांट नहीं मैं करता मैं भी वली हूं अच्छा जी फरमाया अल्लाह वली अल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनत दुलुमात तिलल हम प्यारे नबी के लजपाल नबी के हम सारे फरमाया युखरिजुहुम मिनत दुलुमात इलन नूर मेरा दिल करदे मैं वलियां दे ताजदार दी एक गल सुना दे हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम दे जमाना मुबारक दे अंदर जनाबे चौधरी जज्जा साहब एक घर विच रोज ही झगड़ा हुंदा जी तीन चार घर मौला अली तो सैड ते सन आपने एक दिन शहजादा इमाम हुसैन नु फरमाया घर आले नु बुला के ते लिया ए रोज ही लड़दे ने ओ आ गए फरमाया कल्ले नु ना लियाई नाल बीबी नु लियाई इमाम हुसैन ने जाके दस्तक दी ईमानदारी ने दसो किड्डा सोहना बुआ हो गया जिथे जारा दा लाल जाके दस्तक देन गया कितना हुसैन जमील दरवाजा होगा जाके शहजादा रसूल अक्से रसूल जिले रसूल परतवे रसूल सूरते रसूल सीरते रसूल किरदारे रसूल रफ्तार है रसूल हजरत सैयद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाके जब दरवाजे नु दस्तक दी तो बाहर आया आदमी शहजादे खैर उसके जी अब्बा जी बुला रहे ने तो तुहानू दोवां नू बुला रहे चले गए जड़े वेले चले गए तो मौला अली पाक ने फरमाया बीबी अगर मैं तेरे को गल पुछा तो सही दसेंगी अर्ज की हजूर सही दसेंगी हुण औरत ही कहती है सरकार ये मेरा निकाह भी होया नेड़े भी नहीं जा सके लड़ाई भी नहीं मुकी पता नहीं गल की है समझ नहीं लगी अजे थोड़ी नेड़े भी नहीं जा सके तो लड़ाई भी मौला अली ने फरमाया तू जरा दो मिनट परा हो जावे वो जरा दो मिनट खावत परा होया ते आपने फरमाया बीबी गल सच्ची दसेंगी उसके या अली सच्ची दसेंगी आपने फरमाया तू किसे बेटे नु जन्म दिता सी जंगले च युखरिजुहुम मिनत ज़ुलुमात इलन नूर फरमाया तू किसे बेटे नु जन्म दिता सी जंगले च देखे जी दिता सी छड़ के आई तू जंगल छड़ के आई तेरी अखां दे सामने कुत्ता पिया एखे पिया तू बच्चे नु वटा मारिया बच्चे नु नहीं मारिया मारिया ते कुत्ते नु वजा बच्चे नु वजा एखे वजा फरमाया तू दुपट्टा पाड़ के पट्टी बदी ए सैयद अबू है ते सैयद दे घरों गल शुरू करन लगा वा है ना बे तू वट्टा मारिया एके मारिया बच्चे दे शेर च वज्जा के वज्जा दुपट्टा पाड़ के तू पट्टी बद्दी एके या अली बद्दी आ जा भाई हुण तू ही उरा ओनू बंदे नु आवाज मार के फरमाया बीबी ए तेरा खावंद नहीं है ओहो बच्चा ही जिदे नाल तेरा नखा होया अल्लाह वली उल्लदीन आमनु तर्जमा
ਕਰਤਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੂਰਾਂ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਨੇੜੇ ਨਾਰਾਇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰਾਇ ਹੈਦਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਯਖਬਤੂ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਮਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਣਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਿਹਾਬਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗੇ ਸਫੀਨ ਵੱਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜਾ ਨਾ ਸਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4-5 ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਿਆਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੋ ਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦਾ, 10 ਬੰਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਚੁੱਕਣ, ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਜਾ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਾਖ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਜੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੋਦੋ ਥੱਲੇ। ਖੋਦਿਆ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਮਾਨ ਬੰਨੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਾਦਰੀ ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਵੱਲਦੀਨ ਮਾਹੂ ਅਸ਼ਿੱਦਾ ਵਲਲ ਕੁਫਾਰਿ ਰਹਿਮਾ ਬੈਨਹੁਮ ਤਰਾਹੁਮ ਰੁਕਾਨ ਸੁਜਦੈ ਅਬਤਗੂਨ ਫਦਲਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਰਿਦਵਾਨ ਨਾਰਾਇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਇ ਤਹਕੀਕ ਮਨ ਕੁੰਤਾ ਮੌਲਾ ਮਨ ਕੁੰਤਾ ਮੌਲਾ ਕੋਇਲ ਕੋ ਦੇਖਾ ਵੋ ਕੂਕ ਰਹੀ ਥੀ ਅਰੇ ਤੁਮ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮਸਤ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਹਰ ਦਮ ਯੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇ ਹੈਦਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਲੂਹੁਮ ਫਿ ਤੌਰਾਤ ਵ ਮਸਲੂਹੁਮ ਫਿ ਇੰਜੀਲ ਵਅਦਲ ਅਲੈਹਿ ਹੱਕਾਂ ਫਿ ਤੌਰਾਤ ਵ ਤੁਰਾਤ ਅੰਦਰ
ਜ਼ਬੂਰ ਅੰਦਰ, ਇੰਜੀਲ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਕੋ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਏ ਕਿਉਂ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਵਹੀ ਆ ਬਲੇ ਵਹੀ ਜਲਨ ਕੋਈ ਸੋਜ਼ੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਹੀ ਆ ਬਲੇ ਵਹੀ ਜਲਨ ਕੋਈ ਸੋਜ਼ੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਲਗਾ ਕੇ ਆਗ ਚਲੇ ਗਏ ਯੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਏ ਕਿਉਂ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀਰ ਵੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਵਸੀ ਵੀ ਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਯਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਸੀ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਬਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਖੈਬਰ 'ਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਖੈਬਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਧਰੂ ਕੇ ਨਾ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੂਕ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ? ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਸੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਸੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਯੂਦੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੋਰ ਜਾਣ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਸ਼ਕੋ, ਸੱਯਦ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੱਯਦ ਸਦਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਗਿਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਗਿਣਤਰੀ ਕੀਤੀ 12 ਜਾਂ 14 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸਣ ਜਬਰਾਨ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੋਰੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਘੱਲੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੋਰਦੇ ਅਗਰ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਯਹੂਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ,
का मुकद्दर तो देखो, निकाहों से टांके दिए जा रहे हैं। कितना मैं खुश नसीब हाँ, जिन्हें हथा नाल मुस्तफा नु गुसल दिता गया, उन्हें हथा नाल इन्हू गुसल दिता गया। हजरात मोहतरम, जदों मेरा सोना इश्क दिया लज्जतां देने वास्ते पंजाबी दी मिसाल अर्ज कर दिया, चिमनी चिमनी लथी होवे, चिमनी तो शीशा लथा होवे ते उहदी लाइट कुछ होर हुंदी है, ते जदों उत्ते चिमनी पा दी है जी 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 अच्छा जी, जदों उत्ते चिमनी पा दी है ते उहदी लाइट। अगर महबूब नू अल्लाह बशर ना ना बनांदा, महबूब नू अल्लाह ने पजामा बशर चिमनी पा के कलिया है, फरमाया ताके मेरे महबूब दे आशिक बगिरदे का बक गर्दम करूं ए यार मन कावा, बगिरदे का बक गर्दम करूं ए यार मन कावा, बगिरदे का बक गर्दम करूं ए यार मन कावा, अगर या पम खरी दारे फरोसं जानो इमारा। फारसी वाले आख्या ना, मेरा ख्याल है सैयद बुवे ते उठ के जेड़ा पहाड़ दे इलाके च रूमिए कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श साहब को पूछ लिए, ते मियां दा फरमान ले दर मुर्शद दा ए खाना काबा जरूरी करिए ओ रख के तकवा महबूबा दा ते चल दवा रावे मलिए आए। हुन सरकार जदों आए ना मक्के दी धरती च, सब तो पहला आशक हजरत अबू बकर आंदे ने मैं ना 2 महीने दी तिजारत करके ना घर आया जी, तवज्जो है कोई तुहानू नहीं मैं छेड़ना, छिड़िया छुड़ाया साज सुन दे जाओ। हजरत अबू बकर कहंदे ने 2 महीने दी तिजारत दे बाद आया मेरे अब्बे दे कोल हकीम बिन हजाम, अबू सुफियान, अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, सारे मक्के दे चौधरी मेरे अब्बे कोल बैठे। मैं आके गठड़ी रखी, अबू जाल झटपट मैनू वेख के कहन लगा अब्दुल्ला पता ही कादा वेखे, अम्मा भी कोई नहीं, अब्बा भी कोई नहीं, ते कहंदा मैं नबी बन के आ गया, यतीम ही वो अबू तालब दा भतीजा नहीं आहो। ते अबू बकर कहंदे ने सारे चौधरी उठो ना इत्थों ते घरां नूं जाओ, तुहानू की पता मीम दे थले वसदा कौन है पिया, मीम दे थले कौन वसदा तुहानू की पता। हजरत अबू बकर फरमांदे ने मैं रात बड़ी औखी कटी, दिन चढ़िया ऐ मिलत इस्लामिया दा पहला आशिक, पहला ही मोमन है, पहला ही आशिक है भाई। आशिकां दी फरिश्ते ते बड़ी है ना, मैं छोटे 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 ऐवें गल्लां ही निक्कियां निक्कियां दसणियां है ना, ते ए जाके इंज नबी दे बूए अगे खलो गए, अकल कहण लगी बूआ खड़का लै, इश्क कहण लगा हूं, अज अख नाल नहीं हथ नाल नहीं खड़काना, अज अख नाल खड़काना। अवैसी साहब अबू बकर इंज करके खड़े हो गए, हूं मैं कुरान पढ़ा,
चलो तुम्हारी मौज। अल्लाह ने फरमाया वा मैं युअज़्ज़िब शाइर अल्लाह परवरदिगार ने इरशाद फरमाया जड़ा अल्लाह दी निशानियां दी तजीम करे इयो ही तुहाडे दिलां दी परहेजगारी है। यही तुहाडे दिलां दी। मैं पूछा या अल्लाह तेरी सब तो बड़ी निशानी के लिए फिर मैं या आयो अन्नास कद जाकुम बुरहान सब तो बड़ी निशानी तो फिर मेरा मुस्तफा ही है। सब तो बड़ी निशानी मेरा मुस्तफा ये फरमाया ले तो मेलो मेरे पीरे बाहू है मेरी फरमाया बेअदब की जान एहसान अदब दी ते गए वांजे खून जड़े मोट कदीम देखेड़े आही ओ कदी ना थींदे रांजे खून जड़े मिट्टी दे भांडे आही ओ कदी ना थींदे कांजे खून जिना इश्क नहीं मंगया मेरा कामिल बाहो ओ गए तू भी जखानी वांजे ए गर्दन चुका के महबूब दे बूवे ते खलोना को साड़ी अज दी आदत नहीं। दलील गई दिल वल दिल गया दिल भर वाल जरा तवज्जो तवज्जो दलील किधर गई दिल वाल ते दिल किधर गया दिल भर वाल जद दिल भर ने वेखे बाहर आ गया कोई। जी सरकार ने इंज करके चिमे से बुआ खोलिया इधर सदाकत उधर नबूवत उधर नबूवत इधर सदाकत सदाकत दी अख नबूवत दे मुख ते नबूवत दी अख सदाकत दे मुख ते सदाकत भी मुस्करा पे नबूवत भी मुस्करा पे जे तो कादर दी कुदरत ने दुआ वाले वेख्या ते ओ भी मुस्करा पे जे तो कादर दी कुदरत ने दुआ वाले वेख्या हुन कुरान पढ़ दियो इधर गए अल्लाह फरमाया वल्लजी जे आया बिफिदक व सद्दक बिजी बैठन वाले हो जरा गौर करो अल्लाह फरमाया वाइदा तस्दीक करे ओनू मैं सिद्दीक फरमाया जड़ा मुसद्दक दी तस्दीक करे उन मैं सदीक बना है ना। हुन सदीक अकबर अंदर दाखिल होए ना सरकार ने बुआ खोलिया फरमाया अबू बकर खैर ना लाया अर्ज कीती आका हाथ करो हाथ करो। आपने फरमाया अबू बकर कलमा ते लगा पढ़न एक कुफरस्तान है जे लोग तेन पूछे की वेख के बड़े तो फिर अर्ज की आका मैं को कच्चा हूं
अर्ज की आखा मैं कोई कच्चा हूं, मैं यमन चर्चे वेख के आया, मैं शाम चर्चे वेख के आया, मैं दरख्त कमली वाले मैं एडा कच्चा तो नहीं। अच्छा हजूर मुस्कुरा के फरमाया कुछ मंगी लै फिर। हुन इश्क नू ख्याल आ गया हुसन दा बेताज बादशाह है, हुसन दी मंडी च खलो के आपे ही आंदा कुछ लीला कुछ लीला कुछ लीला। मैं सादियां दी गल्लां वे कर बे हुसन दी मंडी च खलो के महबूब हुसैना दा बेताज बादशाह होके आप सरकार पे फरमांदे ने कुछ मंग लै कुछ मंग लै कुछ मंग लै। अबू बकर सोचिया जे कुली मंगा वह भी गई, जुली मंगा वह भी गई, माल मंगा वह भी गई, अर्ज की आका फिर मंग ला। वे हुन इश्क हुसन दे बूवे तो खरायत केड़ी मंगदा है ना, खरायत केड़ी मंगदा पे। अर्ज की यार सुन ला फिर इको ही गल है, जिधर देखूं जिसे देखूं तुझे देखूं तुझे देखूं, जिधर देखूं जिसे देखूं तुझे देखूं तुझे देखूं, तू मेरी आंख की तू मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जदों मैं आंख खोला तो तुहानू वेखा, जदों बंद करा थे इश्क दी मंजिल खड़ा हो गया। कह लगा लोको ईमानदारी ने दस सदीक नाल वड्डा कौन मुद्दा से, सदीक नाल वड्डा कौन मुद्दा से, जिहड़ा काल विच हाल विच रंग विच ढंग विच बचपन च लड़कपन जवानी च हजूर दे नाल रहिंदा रिहा ओनू नहीं कुछ है नबी च नजर आई। बोलो तो सही, ओनू नहीं कुछ है नबी च नजर आई, ओनू एक शह नजर आई सब सोणिया तो सोणा ए चेहरा हजूर दा, सब सो तो सोना ए चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबा वालिया जलवा हुजूर दा, तकिया नसीबा वालिया जलवा हुजूर दा। हजरत अबू बकर जड़े वेले चौक में खलो के सरकार दा जिक्र करदे ने, हजरत बिलाले हबशी फरमांदे ने मैं उमैया दी नौकरी च सां उस वेले ते मेरी बुत्तां ते ड्यूटी लगी सी, बुत्तां ते तंग मैं बड़ा सां, बुत्तां ते मेरी ड्यूटी लगी सी ते मैं आख्या मक्के दे चौक विच पता नहीं रश कदा है। मैं जदों अगां होके वेख्या ना ते सदीक हजूर दा जिक्र पे करे आशको लब होण सदीक दे जिक्र होवे नबूवत दा ते फिर किन्ना हुसीन सुखी जी जिक्र होवेगा। बिलाल कहंदे ने खलोतिया खलोतिया ना अंदरों आवाज आई कलमा पढ़ लै, की आवाज आई कलमा पढ़ लै। बिलाल कलमा पढ़ के टुर गया, उमैया सवेरे सवेरे आया ते बिलाल उमैया ने आख्या साढ़े घर सन लग गए आ की हो गया नवे कम। ओदा नक्शा कुरान ने कि बयान फरमाया जबरान भाई, अल्लाह ने फरमाया वो साबिकुल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बिएहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अल वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ذلك الفوز العظيم।
विच सबकत लेंगे, माजरा विचों अंसारा विचों। फरमाया वल्लजी नत्तबउहुम, फरमाया जिना लोगों ने उन्हां दी पैरवी कर ली। फरमाया मैं अल्लाह फरमांदा मैं उन्हां ते राजी हां, ओ मेरे ते। अल्लाह कितनी सोहनी गल है, हर बंदे दी कशिश दिले वे कि अल्लाह राजी हो जाए। मैं पूछा रब्बा उन्हें, फरमाया बेने आजा मेरी मर्जी राजी हो ना, या अल्लाह किसे ते राजी है कि नहीं है। फरमाया जिना नैना ने मुहम्मद दा मुख वेख के इश्क कमा लिया, मैं उन्हें ते राजी हूँ। मैं उन्हें ते राजी हूँ। अल्लाह हजरत में नहीं फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रदाए मुहम्मद। इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा। आला हजरत कितना हुसीन मुवक्कफ है, आ फरमाते ने साडे हाथ उठन ते ओदी मर्जी है थले करा ले, ते महबूब दे हाथ उठन ते रब आंदा महबूबा कोई है नहीं हाथ जिन्हें नू मैं वेना। ए तुहाडे ही ने मंगो मंगो तो सही तरह। हालात प्रमाण ने इजाबत कसेरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआ मोहम्मद। हजरत बिलाले हबशी आज आशकां दा जड़ा सरदार है ना, उदा मैं जिक्र छेड़न लगा। थक तो नहीं गए, हाथ खड़े करो हम वाला जड़े अके पता थे लगे ना। हाँ जी अकेला बंदा ना हाँ कर दे ना ना कर दे, क्यों जी भाई जजाक अल्लाह का मतलब चेती छड़ दे। मैं हसान वास्ते नहीं आया, बात सुनो। हुण मैं आशकां दे सरदार दा जिक्र छेड़न लगा वा, उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह। आशकां दे सरदार दा जिक्र हजरत सैयदना बिलाले हबशी फरमांदे ने, जड़े वेले मैं चला गया उमैया दी नौकरी विच, उमैया दी नौकरी विच, मिट्टी का हूं मैं प्याला इश्क के बाजार में है, मिट्टी का हूं मैं प्याला इश्क के बाजार में, मिट्टी का हूं मैं बाजार में, आ गया हूं मैं पसंद एकदम निगाहे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उमैया ने जब वेख्या ना तो कहन लगा ओ बिलाल तेनू की हो गया, चौधरी जी पर आख्या चौधरी जी उस आख्या वो साढ़े घर ही तू पले नौकर भी तो साढ़ा ही है। उस आख्या जी ये कोई शक नहीं की होया तेन, उस आख्या होया ही तो होने कुछ वो होया की है, उस आख्या होनी तो आख खुली। कह लगा तू साढ़े घर ही पले जवान होया ते साडे नाल ही अखां कड्डण लग पए। बिलाल ने कहा उमैया उत्थे होके बह जा, नौकर तेरा मां गुलाम मुहम्मद दा हो गया।
तैयारी कर ले। बिलाल कहते ने कला बैठा सा कन में आवाज आई तैयार है। मैं सजे खे पे वेखा तू कौन है मेनू इश्क आंदे बिलाल ने बिलाल नु कहंदा तैयार है पर मैं तू कौन है देखे मैं इश्क सके जम जम आ हजरत इब्राहिम जी अगन च छाला मार सकते असि भी जदो टुरो जमीन ते तो नजर नीवी रखिया कर ईमानदारो क्यों ये थोड़ी मां है एदे विच तुसा जाना है। मियां मुहम्मद बख्शा बैवे नहीं फरमाया कि इंसान कदी अपनी तखलीक दा हिस्सा सोचिया कदी ध्यान कीता ही कि मैं कित्थों पैदा होया। अल्लाह फरमांदा मैं तेनू मिट्टी चो पैदा कीता है फिर मैं तेनू मिट्टी विच खड़ांगा फिर मैं मिट्टी विच तेनू कढ़ांगा है ना ते सारी जिंदगी तू मिट्टी छाणदा छाणदा मिट्टी हो जाएगा। एहो ही वजह है कि अल्लाह वालिया इश्क़े रसूल दी मिट्टी विच गो के लै जांदे ने ते फरमांदे ने मियां मुहम्मद बख्शा फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे अगर तू ऐस मिट्टी नू इश्क़े रसूल दी मिट्टी विच गो के लै गए हो ना ते फिर हेठली मिट्टी ने तेनू की कहना होए तेनू कुछ नहीं कहना तेनू हेठली मिट्टी तेनू कुछ नहीं कहन लगी। इस वास्ते मेरे दोस्त हज़रत बिलाल हबशी फरमांदे ने मैं सरकार नू वेख्या हजूर ले सलाह तो सलाम मक्का पाग दे बाजार विच आ रहे ने इधरों मैं आ रहा एक माए मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें ताजदारे बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहे मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें दिखना फपल वो सुना के सुखल मोरा जीत लिया सब तन मन धन। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु तआला नु फरमाने लगे मैं सरकार नु जेड़े वेले वेख्या मेरे दिल विच हूक उठी नौकरू मैया दा दरूरे पर आका मन नहीं ते एनू ख्याल नहीं किया। अगर मैं तकलीफा की फरिश्त खोला बड़िया ने फिर कहन लगा कि इन्हू मैं कैदी ना कर दिया एक अंधेरी कोठड़ी के अंदर जड़े वेले बंद किया ना तो जल्लाद नू कहन लगा इन्हू रोज कोड़े मारिया कर। मुसलमानों सैयद दे आस्ताने ते बैठन वाले हो सानू ते सस्ता कलमा लब्बा है बड़ा सौखा कलमा लब्बा है जमदियां मुसलमानों दे घर पैदा हो अजान खाने चा गई मां मुसलमान की झोली लग गई बाप मुसलमान लग गया कलमे की कदर पुछनी है ते बिलाल नू पुछ किवें लब्बा कलमे वाला किवें लब्बा कलमा किवें हासिल होया है। अदर बिलाले अबजी फरमाने ले जला मिलोना नेरी कोठड़ी दे अंदर बंद कर दिता रोज जल्लाद कोड़े मार दे। रावी लिखदे बिलाल एक दिन भी नहीं रोया नाले बिलाल कोड़ा खांदे नाले हस दे। जनाबे जबरान अफजल साहब बड़े आराम नाल जल्लाद ने एक दिन कोड़ा थले रखिया रख के कहता बिलाल तेरा वजूद कादा है। बिलाल ने फरमाया मैं खाका खाकिया आदम दी नसल उन्हें आख्या मैं तेनू मारिया रोना क्यों नहीं उन्हें आख्या गल जो तू कोड़ा मारने पोजीशन लेना के नहीं लेंदा उन्हें आख्या हां मैं पोजीशन लेना। बिलाल ने फरमाया जो तू कोड़ा मारने मैं अख बंद करके मुहम्मद तसव्वुर कर लेना मैनु पता ही सल्लल्लाहु
अलैहि वाले वसल्लम। हां भाई, ओ भाई, ओ अल्लाह आलिया, ओए अल्लाह आलिया, ओ दरवेशो भाजी तेरे दो मिनट बह जाओ, आ सारिया प्यालियां मैनू दे जा। ओए दरवेशो अल्लाह आलियो, ओ भाई, ओ अल्लाह तुहाडी मोहब्बत सलामत रखे। ठहर जो, शहीद नहीं हो चले बाबा जी, बह जो प्यालियां लैके, मैं पी के जावांगे सारे। छड़न नहीं लगे दरबार दा लंगर, अंदर ते दिता ही जे ते लंगर भी देना ही जे। हाँ जी, सारे दृश्य ध्यान ना लाओ, एवी ए पल की गल है। पल की क्यों जी चढ़े जाओ, पल की गल है। हजरत बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाने लई, जेड़े वेले मैं उन्हूं आख्या तू कोड़ा मारना, मैं सरकार दा तसव्वुर करके मार खा लेना, मैनूं पता नहीं लगदा। अबू बकर कहता ने इक रात मैं पूछा उमैया वल्लों लंघिया, बिलाल मार खा रहे ने, मार खांदे खांदे रोंदे नहीं बल्कि मुस्करा रहे ने। मैं रात बड़ी औखी कड्ढी, वड्डे वेले मैं गया नबी पाक दी बारगाह विच, आका इक तुहाडे आशक नूं मार पैंदी वेखीए। अलविदाया बन्ने आया, तारीख दी बहुत बड़ी किताब है। मेरी सरकार ने अवैसी साहब हाथ जेब वल कीता, फरमाया लै अबू बकर मेरा हिस्सा पा ले, आशक नूं मुल लैया ताकि लोकां नूं पता लगे कयामत तक आशकां नूं खरीदना मुहम्मद। अबू बकर ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। अबू बकर गए उमैया कोल, जाके कहन लगे यार उमैया तू किड्डा सियाणा है, चंगा भला हो के बंदा ते बिलाल नूं इन्हें मारना क्यों है? उस आखिया तेनू किन्ने कहा मैं इंसान हाँ, ऐ हुण वी कई साडे भरा ने जिन्हां नूं कोई गल करिया मैं कोई बंदा हाँ? मुसलमानों जरा सोचो तो सही, नबी दी उम्मती हाँ, नबी दे गुलाम हाँ। उन्हें आख्या तेनू किने कहा मैं बंदा वा? उस आख्या पता मैनू भी है बंदे दे पुत्रां वाला काम तेरे कोल कोई नहीं, पर मैं तो तेनू इन्ना पूछा भी बंदा हो क्यों इन्ना तो ना तंग कर उन्हू। वो बड़े आराम नाल कहिंदा अबू बकर सारा कसूर तेरा ही है, ये ना तेरे कोल बहिंदा ना रंग लैंदा, ये ना तेरे कोल बहिंदा ते ना रंग लैंदा। बड़े गुस्से च कहन लगा एडा सजना है तो मुल ले लै, पर मैं गल कर की लैनी, गल कर की लैनी। उन्हें आख्या गुलाम भी दे दे, उहदे बच्चे भी दे दे, उहदी बीवी भी दे दे, पैसे भी दे दे। अबू बकर ने सारा कुछ दे के 400 वध दे दिता। उमैया कहन लगा मैं ते तेनू मक्के दा बड़ा वड्डा ताजर अकलमंद समझदा सां, पर अज मेरे कागजां तू फेल हो गए। उन्हें आख्या कादा हो सके इहो जे सामले जे रंग दा इन्ना मुल पा छड़िए? हो सके राम ना बोए रंगां दा मुल नहीं हुंदा ओए, ओ मुल तलब दा हुंदा। हुण तेनू की पता इहनू तलब किन्ने कर लिया तो मैं मुल क्यों? मुल तो तलब का होंगे, तेनू की पता इनू तलब किन्ने कर लिया है? अच्छा, हजरत अबू बकर सारा कुछ दे के नेरी कोठरी च गए। जो पैरां दी बाबा जी आवाज सुनी ना, हजरत बिलाल ने समझिया कोड़ा मारन आ गया। सुनो आश को ईमान ताजा हो जाएगा। सारे जरा प्यार नाल एक बार कह दे सुभान अल्लाह, उची कह दे सुभान अल्लाह। पूरे मैं सवा घंटे बाद तुहानू हिलाया है, इतो पहले नहीं मैं तुहानू छेड़िया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਅਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜਨਾਬ ਜੱਲਾਦ ਆਇਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਨਾਬੇ ਕਾਰੀ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਜ ਜੱਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਈ। अज जल्लाद नहीं आया, अज मुहम्मद का पैगाम आया है। हुण नक्शा पेश करा चट्ठा साहब, भाई जजा साहब नक्शा पेश करा। हजरत बिलाल नूं जिहड़े वेले पैरां दी आवाज आई ते उधरों आवाज आई, अज अज जल्लाद नहीं आया, अज यार दा पैगाम आया है। बड़ा ऐसा बिलाल रोग गंदल में को जी, ओ मेरा दिल
सोना ते मैं की कण उसनू पावागू वेड़े मेरे ओ वड़दा नाही नी मैं लख वसीले पावागू ना मैं सो ना गुण पल्ले ते की कण यार मनावा इयो फिक्र हमें राजी मेरा कामिल बाहु मत रोंद आई ना जब दोवें अस्थियां बाहर निकलिया हुक्म होया जबरील थले वे मिकाइल थले वे इसराफील दरदाइल इजराइल थले वे हामिला ने अर्श हूरा ने बहिश्त रिदवा ने जन्नत थले वे या अल्लाह खैर है फरमाया मुहम्मद दे आशिकां दी जोड़ी जा रही है मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दे आशिकां दी मुसलमानों कितना हुसैन वक्त होवेगा बड़ा साहब अबू बकर ते बिलाल जद दोवे गए ना मेरे कमली वाले दूरों वेख्या मेरा कमली वाला उठ के खड़ा हो गया मेरा कमली वाला उठ के खड़ा हो गया जेड़े वेले शाह जी खड़ा होया किबला सरकार ने सीने नाल ला लिया बिलाल दी चीखा निकल गई मेरी सरकार ने कंड दी अतरा के फरमाया बिलाल ना रो बिलाल ना रोण ते मिल पिया है बिलाल अर्ज की आका मैनु तेरे इश्क दे बेड़े में खलो के पता प्या लगदा है इत्थे मिलिया भी रोना ही पैणा है इत्थे विछड़ी तुहाडे दरबार विच खलो के मियां जा फरमाया जिस तन अंदर ये इश्क रचिया सरकार दे कोल बिलाल आ गए फिर बिलाल पता की करदे सन आंदे सन रोटी लंगरे मुस्तफा चो ना रोटी लंगरे सदीकी चो खा छड़दा सन ते अख जमाले मुहम्मद दी तरफ छड़दा रोटी लंगरे सदीकी चो खा छड़दा सन ते अख मैं किथे रखदा सन जमाले मुस्तफा हजरत खबाब बिन अरतिक अमार बिन यासर दो हजरत बिलाले अबशी तीन चार सहाबे ऐसे सन ना जे नमाज आई है ना जे चट्ठा साहब रोजा आया चौधरी नजर जजा साहब ना जे जकात का हुक्म आया बिलाल ये चारे सहाबी हजूर नु विचकार बा के ना बड़ा साहब ते इंज बा के ना ते नक्शा पेश करते हैं सुभान अल्लाह ना बोलो तुहाडी मर्जी इंजे बाग विचकार बाग के अदूर नू वेख देने एक दिन काबरा ने वेख के आख्या या मुहम्मद अरबी गरीब गुरबा उठन दे सी आईए अल्लाह फरमाया जिब्रील दौड़ के जाई यार नू आखी वला ततरो दिल लजीन यदउन रब्बहुम बिल गदात वल अशिये युरीदून वजहहु मबबा इन गरीबा नू ना ठावी ए तुहाडे चेहरे च मैनू ही वेखण आउंदे जे होर की इना गरीबा नो ना उठावी किवें मुखड़े तो नजरा हटावा ते तेरे विचों रब देसदा किवें मुखड़े तो नजरा हटावा ते तेरे विचों रब देसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावा कंजुल माल दी हदीस भी है जनाबे कारी साहब कंजुल माल दी हदीस फरमाया मन रा यारा अल्लाह
ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਹ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦੀ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਕਨੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਹਾਂ ਕਨੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਚੱਕੀ ਪੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਾਹਰ ਬਿਲਾਲ ਖਲੋਤਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਵੋ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਪੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਮ ਗਿਲਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਠੀ ਏ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਠੀ ਏ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ੍ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਆਕਾਦਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਉਜਰੇ ਬਤੂਲ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਾਮੇ ਅਸਰ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਸੈਯਦਾ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਆਪਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਹਰਮ ਦੀ ਚੂਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਜਰੀ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਨਿਕੋਲੇ ਆਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਜਰੀ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਨਿਕੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਗਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਸ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਲਬ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਚੁੱਪ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੱਜ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਬਰਾਨ ਬਾਈ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ
जदों आप दुनिया तो जान लगे ना कि आप दी बेगम कोल बैठ के रो रही है। उन्हें पूछया बिलाल ने क्यों रो रही है, अर्ज की थी मेरे जिंदगी दे साथी अगर मेरा कोई बेटा हुंदा, मेरी कोई बेटी हुंदी, मैं भी अज ना रोंदी, मैनू अम्मा कहने वाला हुंदा। बीवी रो रही है तो बिलाल मुस्कुरा रहे ने, बीवी रो रही है तो हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे ने। वो पूछती है कि तू क्यों मुस्कुरा रहे है, उस सखे मुद्दत होई है सरकार नू दुनिया तो गया, ते मैं चाहना कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, मैं कब्र च जावांगा, सरकार तशरीफ ले आउंगे, सरकार तशरीफ ले आउंगे, ते मैं उठ के सरकार नू कलावे च लै लांगा। मैं इस वास्ते मुस्कराना पिया भाई दोस्तों, दुआ करना कि अल्लाह करीम जनाबे अदर हुसैन अदर हुसैन चीमा साहब और जनाबे मुहम्मद अंसर वड़ाइच साहब और सारे इन्होंने दोस्त और आस्थाने के जितने भी खादम ने, अल्लाह इन्होंने सारे की जिंदगी दराज फरमाए। अज अपने दिल नैद करो या अल्लाह हजूर का इश्क ऐसा अता कर, ए कल की बात है मुल्को मिलत का अजीम खतीब और सादात दे खानदान विच आला शख्स हजरत अलामा पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जनाजा उठिया, 3 लाख बंदा ना आशिक दा जनाजा जा रहा है। और कल सारा दिन मैं हाजिर रहा गुलखानी अपनी अखां नाल वेख्या, तहत दे निगाह दुनिया जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। दुआ करना अल्लाह इस आस्थाने नू भी कायम रखे, अल्लाह जनाब इस पिंड उत्ते भी अपना करम फरमाए। हुण मेरा ख्याल उठ के खड़े हो जाओ, मेरी आवाज़ दे अंदर आडियो और सीडीए सलाम दे एक दो शेर पढ़ लो दुआ, ते फिर इन्हां नू प्यालियां दे दियो। वमा अलैया इल्लल बलाल मुस्तफा।